हेलो स्टूडेंट्स लास्ट लेक्चर में हमने कुछ एग्जांपल्स देखे थे बेस्ड ऑन मेट्रिक स्पेस नाउ हम उसके आगे कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट डेफिनेशन ओपन एंड क्लोज स्पीयर लेट एक्स कॉम आई डी बी एनी मेट्रिक स्पेस एंड ए बिलोंग्स टू कैपिटल एक्स देन फॉर एनी आर ग्रेटर देन जीरो द सेट यस आर ऑफ़ ए इज इक्वल्स टू यक्स बिलोंग्स टू यक्स सच दैट डी ऑफ एक्स कॉम ए इज लेस देन आर इज कॉल्ड एज ओपन स्पीयर और ओपन बॉल ऑफ रेडियस आर सेंटर्ड ऐट ए सो यहाँ पे देखिए ओपन स्पीयर का मतलब क्या होता है सपोज कोई अगर मेट्रिक स्पेस लिया हमने एक्स डी और वहाँ का एक पॉइंट लिया आपने ए बिलोंग्स टू एक्स देन फॉर एनी आर ग्रेटर देन जीरो वी कैन से दैट येस आर ऑफ इज़ इक्वल्स टू क्या होगा सेट ऑफ ऑल यक्स बिलोंग्स टू यक्स सच देट्स डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट ए टू यक्स कैसा होना चाहिए लेस देन आर होना चाहिए ऐसे सारे पॉइंट्स का कलेक्शन आप अगर हम सेट में करेंगे तो उसको हम क्या बोलेंगे ओपन स्पीयर सेंटर्ड एट ए ऑफ रेडियस आर सो so, यहाँ पे देखिए सपोज़ ये कोई सेट यक्स है अपना कैपिटल यक्स और यहाँ पर हमने पॉइंट लिया है समथिंग स्मॉल ए बिलोंग्स टू क्या हो गया कैपिटल यक्स सो समथिंग हमें क्या मिलना चाहिए एक रेडियस आर का हमने क्या किया यहाँ पे एक फिगर डाउन किया सपोज इसकी जो लेंथ है आर है so इसकी रेडियस क्या हो गई आर हो गई तो इसको हम क्या बोलेंगे यस आर ऑफ ए दैट इज़ अ ओपन स्पीयर ऑफ है मतलब ये जो सेट है इसमें कि जो ये सारे पॉइंट्स है ये सारे पॉइंट्स किस में आ जाएंगे ओपन स्पीयर में आ जाएगी इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे ओपन स्पियर ऑफ है सो यहाँ पे क्या हो रहा है देखिए ये जो डिस पॉइंट है डी ऑफ यक्स कॉमा ए कैसा रहेगा लेस देन आर क्योंकि हम देखिए यहाँ पे क्या ले रहे समथिंग पॉइंट यक्स ले रहे जो कि कहाँ पे आ रहा है वो स्पीयर में आ रहा है ठीक है सो so, इसीलिए हम क्या बोलेंगे इसका जो डिस्टेंस है वो कैसा हो रहा है लेस देन आ रहा है बिकॉज देखिए यहां से यहाँ का डिस्टेंस कितना है आ रहा है लेकिन हम पॉइंट कहाँ सा ले रहे हैं अंदर का ले रहे हैं ठीक है सो so, ये जो पॉइंट यक्स है और ये जो पॉइंट ए है उन दोनों का डिस्टेंस कैसा रहेगा आर से छोटा रहेगा सो वी कैन से दैट यस आर ऑफ ए इज एन ओपन स्पीयर सिमिलरली द सेट यस आर ऑफ क्या ए इज इक्वल्स टू यक्स बिलोंग्स टू आर सच ए दैट डी ऑफ एक्स कॉम ए लेस देन इक्वल्स टू आर इज कॉल्ड एज ए क्लोज स्पीयर और क्लोज बॉल ऑफ रेडियस आर सेंटर्ड एट ए सो यहाँ पे देखिए जो क्लोज स्पीयर है उसमें क्या बोला है जो दोनों पॉइंट का डिस्टेंस है डी ऑफ एक्स कॉमा ए कैसा है लेस देन इक्वल्स टू आर है ठीक है और ओपन स्पीयर में क्या आता है स्ट्रिक्टली लेस देन आर था और क्लोज स्पीयर में क्या आ रहा है लेस देन इक्वल्स टू आर तो हम क्या बोलेंगे उस सेट को क्लोज स्पीयर और क्लोज बॉल ऑफ रेडियस आर स्मॉल ए सो यहाँ पे देखिए ये जो सेट था यस आर ऑफ ए इसको हमने क्या बोला था ओपन स्पीयर बोला था लेकिन पॉइंट कैसे लिए थे ये जो बाउंड्री पॉइंट्स है इसके ये सब छोड़ के हमने क्या लिए थे जो अंदर के पॉइंट्स है इसको हमने बोला था ओपन स्पियर और अगर हम सब ये जो पॉइंट्स है येस आर ऑफ ए के ये भी अगर पॉइंट हम उस सेट में काउंट करेंगे तो इसको क्या बोलेंगे हम क्लोज स्पियर सो मतलब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है ओपन स्पीयर में मतलब क्या आ रहा है बाउंड्री पॉइंट्स छोड़ के बाकी के सारे पॉइंट्स उस सेट में आ रहे हैं ठीक है थीके? तो वो क्या हो गया ओपन स्पीयर अभी क्लोज स्पीयर में हमने क्या किया इंटीरियर पॉइंट्स अलोंग विथ बाउंड्री पॉइंट्स दैट सेट शुड बी क्लोज स्पीयर सो ठीक है सो देखिए यहाँ पे ओपन स्पीयर मतलब क्या आ रहा है जो बाउंड्री पॉइंट्स छोड़ के जो इंटीरियर पॉइंट्स का कलेक्शन है उसमें क्या आ रहा है वो अपना डिस्टेंस कैसा रहेगा लेस देन आर रहेगा तो उसे हम क्या बोलेंगे ओपन स्पियर और क्लोज पीयर में क्या बोलेंगे बाउंड्री पॉइंट्स अलोंग विथ इंटीरियर पॉइंट्स ठीक है सो so, यहाँ पे डिस्टेंस कैसा रहेगा लेस देन इक्वल्स टू स्मॉल आर तो उसको हम क्या बोलेंगे क्लोज पेयर सो यहाँ पे देखिए क्लियरली वी कैन से दैट येस और ऑफ ए इज अ सबसेट ऑफ येस और ऑफ कैपिटल है सो मोर ओवर ये कैसा हो गया प्रॉपर सबसेट हो गया क्योंकि ये क्या है अपना क्लोज पीयर है और ये अपना ओपन स्पीयर है सो so, इसीलिए ये जो इसके जो सारे पॉइंट्स है क्लोज पीयर में भी आ रहे हैं और क्लोज पियर में क्या रह रहा है बाउंड्री पॉइंट्स एक्स्ट्रा आ रहे हैं इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे प्रॉपर सबसेट ऑफ क्लोज स्पीयर फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू यक्स एंड फॉर एवरी आर ग्रेटर दैन जीरो यहाँ पे हम कुछ रिमार्क्स देखेंगे फर्स्ट वन इन अ मेट्रिक स्पेस आर विद यूजल मेट्रिक डी द ओपन स्पीयर यस ए इज द ओपन इंटरवल एंड क्लोज स्पीयर यसर ऑफ ए इज एंड क्लोज इंटरवल ए माइनस आर कॉम ए प्लस आर वे

ओपन इंटरवल एंड क्लोज स्पीयर क्या रहेगा अपना क्लोज र इंटरवल ठीक है नेक्स्ट इन डिस्क्रिक्ट स्पेस एक्स कॉमेडी द ओपन स्पीयर एस आर ऑफ ए फॉर ए बिलोंग्स टू एक्स इज गिवन बाय एस आर ऑफ ए इज इक्वल्स टू सिंगल्टन सेट ए इफ जीरो लेस देन आर लेस देन इक्वल्स टू वन एंड कैपिटल दैन वन सो so, यहाँ पे देखिए हमने क्या किया है यहाँ पे डिस्क्रिट स्पेस लिया है सो so, डिस्क्रिट स्पेस में ओपन स्पेयर क्या रहेगा अगर जीरो लेस देन आर लेस देन इक्वल्स टू वन आ रहा है मतलब क्या हो रहा है आर बिलोंग्स टू सेमी ओपन इंटरवल जीरो को वन में रहेगा तो वो क्या रहेगा अपना ओपन स्पेयर क्या आएगा सिंगलटन सेट ए और अगर आर ग्रेटर देन वन रहेगा देन द ओपन स्पेयर शुड बी इंटायर स्पेस दैट इज कैपिटल यक्स ठीक है सिमिलरली द क्लोज पीयर यस आर ऑफ ए इज गिवन बायस आर ऑफ ए इज इक्वल्स टू सिंगल्टन सेट ए इफ जीरोस दैन आर लेस देन वन एंड यक्स इफ आर ग्रेटर दैन इक्वल्स टू वन सो देखिए क्लोज पियर क्या आएगा फिर उस सेट में सिंगलटन सेट आएगा वेन आर बिलोंग्स टू क्या रहेगा ओपन सेट जीरोमा वन और अगर आर ग्रेटर दैन इक्वल टू वन रहेगा देन द क्लोज पियर शुड बी कैपिटल यक्स एंड आर अगर बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल जीरो कॉमा वन रहेगा देन द क्लोज पियर शुड बी

ऐसे फॉर्म में अगर हमने कोई सेट लिया तो ये कैसा रहेगा तो ओपन स्पियर क्या आएगा इसमें इन साइड ऑफ द सर्कल विथ सेंटर एंड सपोज समथिंग यहाँ पे सेंटर ए है और इसका रेडियस हमने आर लिया तो ये जो स्पीयर है ये क्या रहेगा अपना ओपन स्पीयर रहेगा लेकिन यहाँ पे जो पॉइंट्स आ रहे हैं वो देखिए ये पॉइंट्स कैसे ये जो सेंटर है ये जो सर्कल का जो इंटीरियर का पार्ट है वो क्या रहेगा इसका ओपन स्पियर रहेगा नेक्स्ट डेफिनेशन नेबरहुड ऑफ अ

So, यहां स्पेस, स्पेस a, सो यहाँ पे देखिए पहले क्या लिया हमने लेट एक्स कॉमेडी बी मेट्रिक है हमारा मेट्रिकल का इसको हम नेबरहुड कब बोलेंगे इफ देर एग्जिस्ट एन ओपन स्पीय एट कहाँ पे आ रहा है स्मॉल ए विच इज कंटेन यन ए मतलब क्या हो रहा है यहाँ पे जो पॉइंट लिया है हमने ए का इसका नेबरहुड हमें कब मिलेगा जब हम क्या बोला कि इसके अराउंड क्या मिलना चाहिए हमको एक ओपन स्पीयर मिलना चाहिए जो कि यक्स के किसी सब्सेट में क्या होना चाहिए कंटेंट होना चाहिए मतलब जो ओपन स्पीयर हमें मिल रहा है वो क्या होना चाहिए यक्स के किसी सबसेट का सबसेट होना चाहिए देन वी कैन से दैट द दैट यस आर दैट पॉइंट इज अ मतलब एन ए को क्या बोलेंगे हम नेबरहुड ऑफ दैट पॉइंट ए ठीक है सो देखिए यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं अगर किसी पॉइंट का नेबरहुड कैसे फाइंड आउट करेंगे सपोज उस पॉइंट के अराउंड हमें क्या मिलना चाहिए ओपन स्पीयर मिलना चाहिए मतलब ओपन स्पेयर का जो सेंटर होना चाहिए ये पॉइंट ए होना चाहिए और वो ओपन स्पेयर किसी यक्स के सब में क्या होना चाहिए कंटेंट होना चाहिए मतलब वो पूरा जो सेट है ओपन स्पेयर वो टोटली कंटेंटिंग क्या होना चाहिए ये होना चाहिए देन वी कैन से देट ये इज अ नेबरहुड ऑफ पॉइंट ए नेक्स्ट करोलरी every open sphere is a neighborhood of each of its points. So यहाँ पे क्या बोला गया कि जो open sphere है वो क्या रहेगा neighborhood of each of its point. मतलब open sphere के जो सारे points है उसका neighborhood क्या रह सकता है open sphere ही रहेगा. ठीक है. So देखिए यहाँ पे proof लेते हैं हम. Let us consider let SR yes, of A is and open sphere ंग्स टू यस आर ऑफ ए सो यहाँ पे देखिए हमने एक ओपन स्पीयर लिया है यस आर ऑफ ए और उसका पॉइंट लिया हमने स्मॉलोंग्स टू यस आर ऑफ ए ठीक है. सो so, यहाँ पे देखिए इफ यक्स इक्वल्स टू ए देन ए बिलोंग्स टू यन ए विच इज अ सबसेट ऑफ यस आर ऑफ ए ठीक है सो so, यहाँ पे देखिए अगर सपोज हमने एक ओपन स्पीयर लिया है यहाँ पे यस यह आर ऑफ ए तो इसका सेंटर कहाँ पे आ रहा है ए का आ रहा है और जो पॉइंट है यक्स वो कहाँ से आ रहा है अपना ओपन स्पीयर का आ रहा है सो so, यहाँ पे देखिए हम दो कंडीशंस ले सकते हैं अगर यक्स इक्वल्स टू ए रहेगा तो क्या होगा और यक्स डज नॉट इक्वल्स टू ए मतलब क्या जो अगर पॉइंट ए क्या है ओपन स्पीयर का सेंटर है तो वो डेफिनेटली वो क्या रहेगा ओपन स्पेयर में रहने वाला है ठीक है सो दिस इज द वन ऑफ द पॉइंट ऑफ ओपन स्पीयर दैट इज ए और अगर इफ यक्स इक्वल्स टू ए रहा तो क्या मिलेगा वहां पे हमें एक सबसेट मिलने वाला है यन ए जो कि क्या रहेगा यस आर ऑफ ए का सबसेट रहेगा ठीक है सो हम क्या कर सकते हैं इसको डायरेक्टली बोल सकते हैं कि ये क्या रहेगा उसका ओपन स्पीयर रहेगा ठीक है लेकिन हमें डिफिकल्टी कब आ सकती है अगर पॉइंट यक्स डज नॉट इक्वल्स टू ए तो हम यहां पे क्या X a, करेंगे यक्स डज नॉट इक्वल्स टू ए सपोज करेंगे देन वी प्रूव दैट द एवरी ओपन स्पीयर इज अ नेबरहहूड ऑफ इच ऑफ इट्स पॉइंट ठीक है सो नाउ सपोज यक्स डज नॉट इक्वल्स टू ए देफोर इन ऑर्डर टू शो दैट इन ऑर्डर to show that sr of a is a neighborhood of yugs, comma we must show that there exist r 1 greater than 0 such that

यक्स बिलोंग्स टू कहाँ से आ रहा है ये ऑफ ए इज अ पॉइंट ऑफ अ ओपन स्पीयर ठीक है सो देव फोर वी कैन से दैट डिस्टेंस बिट्वीन यक्स ए इज़ लेस देन आर ठीक है सो ये क्या है ए क्या है अपना ओपन स्पेयर का सेट एंड आर इज द रेडियस ऑफ द ओपन स्पेयर सो देव फोर डिस्टेंस बिटवीन एनी पॉइंट यक्स एंड द सेंटर इज लेस देन आर ठीक है सो नाउ टेक सपोज यहाँ पे आर वन क्या लेंगे हम आर वन इज इक्वल टू माइनस डी ऑफ एक्स कॉमा ए सो ये क्या किया है हमने एक सपोज किया है कि आर वन की वैल्यू हमने एक चूज की है आर वन इज इक्वल टू आर वन इज इक्वल टू आर माइनस डी ऑफ एक्स कॉमा ए सो नाउ सपोज सपोज वाई बिलोंग्स टू समथिंग यस आर वन ऑफ एक्स सो ठीक है यस आर वन एक्स आर वन ऑफ एक्स में कहा का पॉइंट लिया हमने है सो देर फोर बाय ट्राइंगल इनिटी देअर फोर बाय ट्राइंगल इनिटी डी ऑफ कॉमा एज लेस इक्वल टू वी कैन राइट डी ऑफ वाई कॉमा प्लस डी ऑफ एक्स कॉमा ए सो देखिये ये जो सारे पॉइंट है हमने कहा से लिए अपने मेट्रिक स्पेस से लिए दैट इज एक्स सो बाई इन द मेट्रिक स्पेस वी नो दैट द ट्राइंगल इन इक्वालिटी प्रॉपर्टी होल्ड्स फॉर एवरी एलिमेंट्स सो ठीक है सो देअ फोर डी ऑफ वाई कॉमा ए इज लेस देन इक्वल टू डी ऑफ वाई कॉमा एक्स प्लस डी ऑफ एक्स कॉमा ए से हम क्या सकते हैं यहाँ पे ट्राइंगलीटी यूज कर सकते हैं सो वी नो दैट डी ऑफ वाई कॉमा एक्स इज लेस देन आर वन प्लस डी ऑफ एक्स कॉमा ए ठीक है ये कहाँ से आ रहा है सो so, यहाँ पे देखिए ये जो पॉइंट है वाई कहाँ से लिया आपने ओपन स्पीयर यस वा यस आर वन ऑफ यक्स में सो यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं कि डिस्टेंस बिटवीन यक्स एंड वाई शुड बी लेस देन आर वन आएगा ठीक है सो बाय यूजिंग दिस वी कैन से दैट डी ऑफ वाई कॉमा आई लेस देन आर वन प्लस डी ऑफ एक्स कॉमा आए सो आर वन की वैल्यू हमने क्या ली थी आर माइनस डी ऑफ एक्स कॉमा आए सो पुटिंग दिस वैल्यू ऑफ आर वन इन द इनइक्वालिटी वी गेट आर माइनस डी ऑफ एक्स कॉमा ए प्लस डी ऑफ एक्स कॉमा ए सो दिस इज प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा विच इज लेस देन आर विच एम्प्लाईज डिस्टेंस बिट्वीन वाई कॉमा ए इज लेस देन आर सो यहाँ पे देखिए ये जो पॉइंट वाई है उसका डिस्टेंस अगर हमने ऐसे कैलकुलेट किया तो क्या आ रहा है वो लेस देन आर आ रहा है देर फोर वी कैन से दैट वाई बिलोंग्स टू यस आर ऑफ ए ठीक है सो यहाँ पे देखिए हमने पॉइंट वाई कहाँ से लिया था यस आर वन ऑफ यस आर वन ऑफ यक्स में से लिया था जो कि पॉइंट कहा जा रहा है वाई बिलोंग्स टू यस आर वन ऑफ ए सो मतलब वाई जो पॉइंट है वो इस सेट में भी है और इस सेट में भी है ठीक है सो देव हो वी कैन से दैट यस आर वन ऑफ यक्स इज अ सब सेट ऑफ यस आर ऑफ ए ठीक है सो देव हो वी कैन से दैट एवरी ओपन स्पीयर इज अ नेबरहुड ऑफ ईच ऑफ इट्स पॉइंट दे फोर वी कैन से दैट दिस थेरम इज प्रूड सो हेन्स प्रूड सो देखिये यहाँ पे हमने क्या किया था फिर से एक बार रिवाइज करता है यहाँ पे हमें क्या बोला गया कि एवरी ओपन स्पीयर को क्या बोलना है नेबरहुड ऑफ इच ऑफ इट्स पॉइंट सो इसीलिए हमने क्या किया यहाँ पे एक ओपन स्पीयर लिया यस आर ऑफ यस आर ऑफ ए ठीक है सो so, उस ओपन uh, स्पीयर का हमने एक पॉइंट लिया ये yes. सो so, यहाँ पे देखिए हमने दो पॉसिबिलिटीज लिया इफ यक्स इक्वल टू ए एंड इफ एक्स डज नॉट इक्वल्स टू ए इफ एक्स इक्वल टू ए थेरम होल्ड्स इट सेट मिलने वाला है हमको एन ए विच इज ऑलरेडी इन एस आर वन ऑफ ए सो देअ वी कैन से दैट यस आर ऑफ ए इज अ नेबरहुड ऑफ पॉइंट ए ठीक है सो नाउ वी हैव टू शो दैट इफ यक्स डज नॉट इक्वल्स टू ए देन एस आर ऑफ़ ए इज अ नेबरहुड ऑफ यक्स सो देअ फोर इन ऑर्डर टू शो दैट यस आर वन ऑफ ए इज अ नेबरह हुड ऑफ यक्स वी मस्ट शो दैट देयर एग्जिस्ट सम आर वन ग्रेटर देन जीरो सच दैट यस आर वन ऑफ एक्स इज अ सबसेट ऑफ यस आर ऑफ ए ठीक है सो ये हमें प्रूव करना है सो देखिए यहाँ पता है कि यक्स कहाँ से लिया था हमने यस आर वन ऑफ ए से सो देअ फोर डिस्टेंस बिटवीन यक्स एंड ए कैसा रहेगा लेस देन आर बिकॉज दिस इज अ ओपन स्पीयर सो नाउ टेक आर वन इज इक्वल्स टू आर माइनस डी ऑफ एक्स कॉम ए ठीक है तो हमें ये प्रूव करना है तो हम क्या करेंगे एक पॉइंट इसमें कर लेंगे यस आर वन ऑफ एक्स उसको कि दिस पॉइंट बिलोंग्स टू यस आर वन ऑफ ए सो थेन्स वी कैन से दैट दिस इज अ सबसेट ऑफ यस आर वन ऑफ ए सो देव फोर सो यहाँ पे देखिए हमने एक पॉइंट लिया वाई बिलोंग्स टू यस आर वन ऑफ एक्स सो देखिए यहाँ पे जो पॉइंट है ये जो ओपन इंड ओपन स्पीयर में से आ रहा है सो देव वी कैन से दैट डिस्टेंस बिटवीन यक्स एंड वाई शुड बी लेस देन आर वन

which implies d of y comma a is less than r so therefore hence we can say that distance between y and a is less than r which implies y belongs to the open interval sr of a and hence we can say that sr1 of x is a subset of sr of a so hence we can say that sr of a is a open sr of a is a neighborhood of point x so therefore we can say that every open sphere is a neighborhood of each of its points नेक्स्ट डेफिनेशन ओपन सेट अ सबसेट जी ऑफ अ मेट्रिक स्पेक्स एक्स कॉमेडी इज सेट टू बी ओपन इन यक्स विथ रिस्पेक्ट टू मेट्रिक डी इफ जी इज अ नेबरहुड ऑफ ईच ऑफ इट्स पॉइंट इन ऑर द वर्ड्स इफ एवरी इफ फॉर ईच ए बिलोंग्स टू जी देर इज एन आर ग्रेटर देन जीरो सच दैट येस आर ऑफ ए इज अ सबसेट ऑफ जी सो देखिए अगर कोई सेट रहेगा जी ऑफ मेट्रिक स्पेस यक्स उसको हम सब ओपन सेट कब बोलेंगे इफ जी इज अ नेबरहुड मतलब जी के जो सारे एलिमेंट है उसका जो नेबरहुड रहना चाहिए क्या होना चाहिए स्मॉल जी हो मतलब कैपिटल जी होना चाहिए तब हम उस सेट को क्या बोलेंगे ओपन सेट मतलब क्या हो रहा है देखिए अगर जी को हम ओपन कब बोलेंगे जी के जो सारे पॉइंट्स है उस सारे पॉइंट्स का नेबरहुड क्या आना चाहिए जी इट सेल्फ आना चाहिए देन वी कैन से दैट जी इज अ ओपन सेट नेक्स्ट सम रिमार्क्स द एम टी सेट एंड द इंटायर स्पेस विथ एनी मेट्रिक आर ओपन सेट सो यहाँ पे देखिए हमें क्या बोलाएगा जो एम टी सेट है और जो इंटायर सेट है अपना समथिंग स्पेस यक्स वो क्या रहेगा विथ एनी मेट्रिक आर ओपन सेट मतलब एम टी सेट एंड एंटायर स्पेस कैसे रहते हैं अपने ऑलवेज ओपन सेट ठीक है नेक्स्ट

तो so, यहाँ पे देखिए कॉम्प्लेक्स प्लेस में हमें क्या लिया है एक एनुलस लिया है समथिंग ये क्या रहेगा ये आया ये क्या हो गया मॉडजेड इक्वल्स टू टू एंड दिस इज मॉडजेड इक्वल्स टू वन ठीक है सो so, इसमें के जो पॉइंट्स है वो कैसे लिया है देखिए वन लेस देन मॉडजेड लेस देन टू मतलब जो पॉइंट्स है वो क्या रहेंगे इसके बीच में क्या रहेंगे बिसाइड्स दिस टू बाउंड्री पॉइंट्स ठीक है सो so, ये क्या हो गया अपना एनुलस हो गया तो सिमिलरली हेर वी कैन से दैट समथिंग का हमने पॉइंट लिया तो so इसका नेबरहुड हमें इस फॉर्म में मिल सकता है जो कि क्या रहा है सेट में ही रहेगा और हेर ऑल्सो वी कैन से दैट दिस इज द एंटायर एनुलस इज ऑल्सो द नेबरहुड ऑफ पॉइंट सो देर फोर वी कैन से दैट दिस एनुलस इज ऑल्सो एन ओपन सेट एग्जाम्पल एवरी सेट इन डिस्क्रीट स्पेस एक्स डी इज ओपन सो यहाँ पे क्या बोला है कि डिस्क्रीट स्पेस के जो सारे एलिमेंट्स uh, है मतलब जो सेट रहेंगे वो कैसे रहेंगे ओपन रहेंगे सो देयरफॉर फोर हियर वी कैन से दैट सपोज लेट जी बी एनी नॉन एम टी सबसेट ऑफ डिस्क्रिट स्पेस एक्स कॉमेडी एंड एकक्स बी एनी पॉइंट ऑफ जी सो यहाँ पे देखिए हमने क्या किया है एक सेट लिया है जी जो कि कौन सा है कैसा है नॉन एम टी सबसेट ऑफ डिस्क्रिट स्पेस एक्स कॉमेडी लिया है और उसका हमने एक पॉइंट लिया है यक्स बी एनी पॉइंट ऑफ जी देन द ओपन स्पीयर यस आर ऑफ यक्स विद आर लेस दैन इक्वल्स टू वन इज द सिंगल डेन सेट यक्स विच इज कंटेन इन जी सो देखिए लास्ट रिमार्क में हमने क्या दिया था देखा था कि डिस्क्रिक्ट स्पेस के जो ओपन स्पीयर रहते हैं कैसे रहते हैं सिंगल टन सेट रहते हैं सो देअोर यहाँ के जो ओपन स्पीयर क्या रहेंगे फिर सिंगल टन सेट रहेंगे सो हेंस द ओपन स्पीयर एस आर ऑफ एस आर ऑफ यक्स विथ आर लेस देन इक्वल्स टू वन इज द सिंगल टन सेट यक्स विच कंटेन जी दैट इज ईच पॉइंट ऑफ जी इज द सेंटर ऑफ सम ओपन स्पीयर कंटेनिंग जी ठीक है सो so, मतलब ये क्या हो रहा है देखिए ये सिंगल टन सेट है ये जो सारे सिंगलटन सेट कैसे है ओपन स्पीयर है मतलब जी के जो सारे पॉइंट है वो कहीं ना कहीं क्या हो गए ओपन स्पीयर के हम क्या बोल सकते हैं सेंटर ले सकते हैं मतलब ये जो सिंगल्टन सेट के जो पॉइंट है इसको हम एज अ सेंटर कंसिडर कर सकते हैं ठीक है सो देफ वो वी कैन से दैट ईच पॉइंट ऑफ जी इज द सेंटर ऑफ सम ओपन स्पीयर विच इज ऑल्सो कंटेनिंग जी ठीक है मतलब ये क्या हो रहा है उसका नेबरहुड हो रहा है सो नेबरह हुड है इसीलिए हम उसको क्या बोलेंगे ओपन सेट बोलेंगे सो हेंस वी कैन से दैट इच सिंगलटन सेट इज एन ओपन सेट ठीक है सो देअ फॉर वी कैन से दैट एवरी सेट इन डिस्क्रिक्ट स्पेस इज ओपन ठीक है नेक्स्ट एग्जाम्पल ऑन द रियल लाइन आर विध यूजल मेट्रिक द सिंगल्टन सेट इज नॉट ओपन सो यहाँ पे देखिए हमें क्या बोला गया है कि जो रियल लाइन है रियल लाइन आर विथ यूजल मेट्रिक मतलब अपना कौन सा मेट्रिक है मॉड्युलस मेट्रिक एक्स माइनस वाई ठीक है विथ दैट मेट्रिक द सिंगल टन सेट यस इज नॉट ओपन सो यहाँ पे देखिए मेट्रिक स्पेस क्या दिया है आर कॉमेडी विथ यूजल मेट्रिक एंड इच्सपेयर इच स्पीयर इन द मेट्रिक स्पेस वी नो दैट दिस इज अ ओपन इंटरवल सो यहाँ पे देखिए आर कॉमेडी विथ यूजल मेट्रिक ये जो स्पेस है उसके हमें ओपन स्पेयर पता है वो हमने क्या देखा था लास्ट रिमार्क में देखा था वो क्या है ओपन स्पेयर यहाँ के क्या होते हैं ओपन इंटरवल रहता है और क्लोज स्पेयर क्या रहते हैं यहाँ के क्लोज इंटरवल रहते हैं ठीक है सो so, यहाँ का ओपन स्पीयर क्या है एक्स माइनस आरकामा एक्स प्लस आर मतलब दिस इज दी ओपन इंटरवल ठीक है सो यहाँ का ओपन स्पीयर मतलब क्या हो गया ओपन इंटरवल हो गया ठीक है सो हेन एंड फॉर एनी वैल्यू ऑफ आर हाउ सो एवर स्मॉल इट मे बी दिस स्पीयर इज कंटेन यक्स हेंस एक्स इज नॉट एन ओपन इन आरकॉमा डी सो यहाँ पे देखिए ये जो सिंगल्टन सेट है इसको हमें क्या करना है ओपन सेट प्रूव करना पड़े मतलब ये ओपन सेट अगर है तो क्या होना चाहिए ये जो इंटरवल है वो टोटली क्या होना चाहिए इस सिंगलटन सेट में कंटेन होने चाहिए मतलब इंटरवल क्या होना चाहिए एक्स का सबसेट होना चाहिए फॉर एनी रियल नंबर आर मतलब आर की किसी वैल्यू के लिए ये जो ओपन इंटरवल है टोटली कंटेन इन क्या होना चाहिए सिंगल टन सेट होना चाहिए ठीक है सो so हमें पता है कि आर की कौन सी भी वैल्यू के लिए ये जो सेट रहेगा टोटली कंटेन सिंगल टन सेट में हो सकता है का नहीं हो सकता है यहाँ पे देखिए वी नो दैट इंटरवल कंटेंट्स इन्फाइनइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स ठीक है सो so, अगर यहाँ पे हम जीरो भी लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा x कॉमा यक्स ठीक है मतलब क्या हो रहा है ये इंटरवल आ रहा है इसमें मतलब पॉइंट्स है अभी देखिए यहाँ पे समथिंग जीरो कॉमा वन अगर हमने ये इंटरवल लिया तो इसमें इन्फाइनइट एलिमेंट्स आ गया अगर किसी का भी इसका अगर रेडियस हम कितना भी स्मॉल ले ले तो इसमें कंटेंट सारे एलिमेंट्स सिंगल टन सेट में आएंगे क्या नहीं आएंगे सो देफ वी कैन से दैट द सिंगल सेट इज नॉट ओपन इन आर कॉमा डी मतलब क्या रहेगा आर कॉमा डी में सिंगल सेट कैसे नहीं रहेंगे ओपन नहीं रहेंगे बट यहाँ पे हम क्या कह सकते हैं कि ओपन इंटरवल जो है वो क्या रह सकते हैं इस सेट में सारे ओपन सेट रहेंगे ठीक है सो इस स्पेस में मतलब जो सिंगल सेट है वो क्या नहीं रहेगा ओपन नहीं रहेगा लेकिन जो सिंगल सेट है वो डिस्क्रिट मेट्रिक में कैसा रहेगा ओपन रहेगा जो कि हमने क्या देखा था लास्ट एग्जाम्पल में देखा था